बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अक्सर फीमेल्स क्वेश्चन करती हैं कि फ़ीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है और किस कंडीशन में फ़ीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट आप करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फीमेल अक्सर फीमेल्स में डिफ्यूज़ टाइप बाल्डनेस होती है, तो इसमें डिफ्यूज़ टाइप बाल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट करना बड़ा मुश्किल है। अगर फीमेल्स हमें अलाउ करें कि आप मर्दों की तरह हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करें तब ही अच्छा थोड़ा बेहतर कॉस्मेटिकली हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। फीमेल्स एग्री नहीं होती कि वो हमारी हमें फुल ट्रिमिंग यानी फुल ट्रिमिंग ऑफ हेड करने दें। वो कहती हैं कि आप हमारे थोड़े से बाल पीछे से ट्रिम कर लें, जितना हम एरिया ट्रिम करेंगे उतने ही एरिया से हम बाल निकाल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा एरिया ट्रिम करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हम निकाल सकते हैं। और फ्रंट से भी वो कहती हैं कि आप बीच बीच में बाल लगा दें, तो बीच बीच में डिफ्यूज़ बाल्डनेस में ग्राफ्ट लगाना या बाल लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और एरिया जितना आप ज़्यादा हमें एक्सपोजर देंगी या ट्रिम करने देंगी फीमेल्स, तो उतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स भी ज़्यादा निकलेंगे। तो अगर जिस तरह मेल में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है उसी तरह उसी पैटर्न से किया जाए तो ग्राफ्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा निकल सकते हैं। इसके अलावा जिनमें रिसेशन ऑफ फ्रंट हेयर लाइन हो जाती है उनमें हेयर ट्रांसप्लांट करना निस्बतन आसान है। इसमें क्या होता है कि आपका हम मखसूस सा एरिया बैक से स्कैल्प से हम ट्रिम कर लेते हैं और वहाँ से नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स निकालते हैं, तो इसमें आपके फुल ट्रिमिंग फीमेल्स में हमें नहीं करनी पड़ती। ये एज कंपेयर टू डिफ्यूज़ बाल्डनेस ये हेयर ट्रांसप्लांट आसान है। तो फीमेल्स को ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह होता है। अगर वो कहेंगी कि अक्सर फीमेल्स कहती हैं आप बड़ा बाल लगा दें, बड़ा बाल एक्सट्रैक्ट तो ना किया जा सकता, यानी अगर हमने ग्राफ्टिंग करनी है तो बड़ा बाल हम आपका निकाल नहीं सकते और उसको लगा नहीं सकते, तो ट्रिमिंग लाजमी है। ट्रिमिंग के बगैर आपके बाल नहीं लग सकते। जितना एरिया आप ट्रिम करवाएंगे उतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ज़्यादा निकलेंगे। तो अक्सर हमने फीमेल्स का हेयर ट्रांसप्लांट किया है और उनके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। और जो फीमेल्स कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं कि डिफ्यूज़ बाल्डनेस होती है और कहती हैं कि हमारा आप फुल सर ट्रिम कर दें, तो हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स मैक्सिमम निकाल के उनका अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी किस्म की क्यूरी हो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।